संसद के दोनों सदनों में आज भी चीन से तवांग में हुई झड़प पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की और सरकार से कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। सदन को बहुत से चीजें जो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया वो तो हमारे पास चंद जो इन्फॉर्मेशन है, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर मकान बन गए हैं। नहीं, उसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए। जब विपक्षी दलों की मांग नहीं मानी गई तो उन्होंने संसद के दोनों सदनों से वॉकआउट कर दिया। अब हाथ मिला के आए और यहाँ हाथापाई करते हमारे सैनिकों के ऊपर। इतिहास रहा इस संसद का, पाकिस्तान के साथ या कभी भी ऐसी समस्या हुई मंत्री बयान देते हैं, विपक्ष के सवाल सुना जाता है, बहस होती है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार को चीन के मुद्दे पर जवाब देना होगा। सीमा की सुरक्षा के मसले पर जवाब देने से हम इस सरकार को भागने नहीं देंगे। दरअसल विपक्ष के कई सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में चीन के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की और विपक्षी सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव दिया के हालात पर चर्चा कराई जा सके। चीन की मंशा क्या है, चीन क्यों तनाव बढ़ा रहा है सरहद के ऊपर, इसके लिए संसद में एक व्यापक चर्चा की जरूरत है और इसीलिए मैंने कल भी और आज भी काम रोको प्रस्ताव दिया है। उधर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने LAC पर तनाव के बीच चीन के साथ कारोबार बढ़ने पर सवाल उठाया कि 2 साल के अंदर चीन के कुछ ऐप्स तो आपने बंद कर दिए, लेकिन चीन के साथ जो आपका ट्रेड है वो बढ़ क्यों रहा है, जिससे फायदा चीन को हो रहा है। संसद में सरकार को घेरने के लिए सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में विपक्षी दलों की मीटिंग भी हुई, जिसमें 17 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में विपक्षी दलों ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की। बैठक में फैसला हुआ कि अगर चीन का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी गई तो सदन से वॉकआउट किया जाएगा। दरअसल विपक्ष संसद में दिए गए रक्षा मंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं है, वो कुछ और बिंदुओं पर सरकार से जवाब चाहता है। वो स्टेटमेंट अधूरा था, उसमें ये जानकारी नहीं दी कि ये अग्रेशन क्यों हुआ, क्यों इस तरीके के क्लैशेस हुए, क्यों ये ऐसी नौबत आई और क्यों ऐसा है कि बार बार चाइना की तरफ से ये अग्रेशन दिख रहा है। इस बीच सरकार ने कहा है कि उसने अपनी तरफ से बयान दिया था और वो चर्चा के लिए तैयार है। नहीं, चीन के बारे में हम सो मोटो स्टेटमेंट दिया है और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार है।